आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी फाइन, दैट्स गुड। एज पर द कंडीशन प्लीज स्टे एट होम एंड बी सेफ। ओके, तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। स्टैंडर्ड थर्ड का मैं स्पेशल फोकस चाहूंगा। स्टैंडर्ड थर्ड जो आपका ग्रामर बुक है, एज पर द ग्रामर बुक द चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। टुडे आई एम गोइंग टू क्लियर यू ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। ऑलरेडी इन द प्रीवियस वीडियो आई क्लियर सम बेसिक ऑफ चैप्टर 1, 2 एंड 3, राइट? तो वंस अगेन द सेम थिंग्स आई एम गोइंग टू रिपीट in details. So all third standards, you ready? Okay, so please see here, each and everybody, all guys, I want your attention here, each and everyone. Let's see here, today in chapter 1, 2 and 3 we will discuss about noun very properly. After noun we will discuss about common noun in deep. After it we will discuss about proper noun. After it, countable noun, uncountable noun. Okay? Lightly you know very well what is noun, as well as proper and common, as well as countable and uncountable. But little in deep, I am going to explain you. So please listen carefully. I want your keen attention towards me and towards this whiteboard. So guys, first of all, what is noun? We are familiar, a noun is a name of a person, place or thing. Or we can define nouns. Nouns are names of person, places or things, not an issue. ओके, आप देखिए जब हम यहां पर बात कर रहे हैं किन चीजों के लिए हम फोकस करेंगे, फोकस हम करेंगे पर्सन, प्लेस एंड थिंग। पर्सन की हम बात करें, प्लेस की बात करें, थिंग की बात करें, व्हाट एवर भी, दे ऑल आर नेमिंग वर्ड्स। क्या रहेगा नाउन के अंदर, स्पेशली नेमिंग वर्ड। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। कौन से नेमिंग वर्ड, क्वेश्चन इज दैट ओनली कि कौन से, विच नेमिंग वर्ड। तो हम क्या बोल सकते हैं, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है, पीपल, ओके, प्लेसेस, ओके, एनिमल्स, ओके, बर्ड्स एंड थिंग्स। तो नेमिंग वर्ड, वो सभी नेमिंग वर्ड्स नाउन कहलाते हैं जो किसके लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, वो प्रयोग में लिए जाते हैं फॉर पीपल, places, animals, bird and things. Clear these things? समझ में आया आपको noun का definition? Nouns are naming words used for people, places, animals, bird and things. अब ये तो बात हो गई noun की। After noun, if you are going to discuss deeply, in that case, common and proper noun. Kinds of noun. कॉमन एंड प्रॉपर। अब कॉमन एंड प्रॉपर, लिसन केयरफुली, देखिए दो चीजें होती, टू थिंग्स आर देयर, एक होता है जनरल नेम और एक होता है स्पेशल नेम, जनरल एंड स्पेशल। उस जनरल और स्पेशल के अकॉर्डिंग ही हम डिफाइन करेंगे यहां पर, एज पर द जनरल एंड एज पर द स्पेशल वी विल डिफाइन हियर कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। हमेशा ध्यान रखना है, जब कॉमन एंड प्रॉपर, कॉमन और प्रॉपर की हम जब भी बात करते हैं तो हमको दिमाग में एक चीज रख के चलना पड़ेगी। क्या चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, व्हाट यू मस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड, यू मस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड जनरल नेम्स एंड स्पेशल नेम्स, जनरल नेम एंड स्पेशल नेम। अब वही देखिए क्वेश्चन नहीं आता कि क्या होता है जनरल नेम और क्या होता है स्पेशल नेम, राइट? स्पेशल नेम और जनरल नेम में क्या डिफरेंस होता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करते हैं डे, क्या बोला मैंने, डे,
फिर मैंने बोला मंथ, इससे आप जल्दी समझेंगे व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक, डे एंड मंथ। अब डे एंड मंथ ये सब चीज क्या है, क्या है ये है जनरल में, क्या है ये जनरल। और जब हम इसके स्पेशलाइजेशन में जाते हैं, इसके स्पेशलाइजेशन के अंदर जाते हैं तो इन दैट केस, या इसके स्पेसिफिकेशन के अंदर जाते हैं तो इन दैट केस हम क्या बात करेंगे, हमने अभी बात करी थी डे, अब हम बोल रहे हैं मंडे, हम बोल रहे हैं ट्यूजडे, या हम बोल रहे हैं संडे। उधर हमने बात करी थी कॉमन के अंदर, क्या बात की थी, हमने बात की थी मंथ की। अब हम यहां पर बोल रहे हैं वी आर गोइंग टू स्पीक हियर जनवरी, फरवरी, मार्च, व्हाटएवर। ओके, तो देखिए स्पेशलाइजेशन इज हियर, यस आर नो, देयर डे हियर मंडे, देयर वर मंथ हियर जनवरी, फरवरी, अप टू दिसंबर, व्हाटएवर। ओके गाइस, क्लियर हुआ आपको? तो देखिए व्हाट इज हियर, कॉमन नाउन्स आर जनरल नेम्स, किसके जनरल नेम, जनरल नेम फॉर थिंग्स, जनरल नेम्स फॉर पीपल, जनरल नेम फॉर एनिमल्स, जनरल नेम फॉर प्लेसेस। और स्पेसिफिक नेम्स, वेन एवर वी आर गिविंग स्पेसिफिक नेम्स फॉर कॉमन नाउन, स्पेसिफिक नेम फॉर कॉमन नाउन, स्पेसिफिक नेम फॉर कॉमन नाउन किसके, ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। बस यही है भाई प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। ओके, आया ना आपको समझ में? कुछ एग्जांपल देता हूं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमेशा दिमाग में एक चीज को आप बिठा के रखिए कि बात होती है कॉमन और बात होती है प्रॉपर। कॉमन मींस जनरल, प्रॉपर मींस स्पेशल, करेक्ट। कॉमन मींस जनरल, प्रॉपर मींस स्पेशल। अब नेक्स्ट फेज में आता है क्या स्पेशल और क्या कॉमन, राइट, क्या जनरल। ओके, हम किस चीज पे फोकस करेंगे, प्लेस, ओके, थिंग, ओके, पर्सन, ओके, एनिमल, ओके, बस हो गए हमारी प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, राइट गाइस। ओके, तो देखिए क्या किया हमने, कॉमन नाउन्स आर जनरल नेम फॉर थिंग्स, पीपल, एनिमल और प्लेसेस, एंड स्पेसिफिक नेम फॉर कॉमन नाउन्स, स्पेसिफिक नेम फॉर कॉमन नाउन्स आर पीपल, प्लेसेस, थिंग्स आर प्रॉपर नाउन्स। विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल यू विल इजीली यू विल अंडरस्टैंड। अब देखिए जब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, प्रॉपर नाउन के अंदर क्या होता है कि इट इज ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। एक चीज और हमेशा ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन ऑलवेज गोइंग टू स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, इट इज बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस और इट इज एट द मिडिल ऑफ सेंटेंस, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। हमेशा जहां भी प्रॉपर नाउन रहेगा उसका जो पहला लेटर रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों, वो रहेगा कैपिटल। ओके, तो इट इज ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर इवन इन द मिडिल ऑफ ए सेंटेंस, मिडिल ऑफ ए सेंटेंस और स्टार्टिंग ऑफ ए सेंटेंस, नॉट एन इशू। इफ एनी वेयर प्रॉपर नाउन इन दैट केस फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल। ओके, अब आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल, इजिली यू कैन अंडरस्टैंड। देखिए मैंने बात करी नूडल, ये क्या हो गया भाई, मैंने बात करी नूडल, नूडल मीन्स व्हाट, एक कॉमन चीज हो गई, जनरल हो गई। ओके, अब मैंने बात करी मैगी, मैगी नूडल्स, क्या बात की मैंने, मैगी नूडल्स। देखिए मैगी नूडल्स जैसे बोला तो प्रॉपर में आए, एक स्पेशल ब्रांड हो गया ना नूडल्स का, कौन सा स्पेशल ब्रांड है, मैगी, राइट। ओके, सिमिलरली मैं बात करता हूं पेंसिल, पेंसिल किस चीज की बात कर रहा हूं मैं, पेंसिल की। इफ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट पेंसिल, पेंसिल कॉमन। अब मैंने बात करी नटराज, या मैंने बात करी अप्सरा, हो गया प्रॉपर नाउन, अंडरस्टूड ना। ओके, सिमिलरली अब मैंने बात करी आपकी मिल्क की, अब मिल्क के बाद मैंने बात कर दी अमूल मिल्क, किसकी बात की है, अमूल मिल्क, मिल्क कॉमन, अमूल मिल्क प्रॉपर, क्लियर। ओके, अब मैंने बात करी फोन की, फोन के बाद मैंने बोल दिया नोकिया, फोन कॉमन नाउन, नोकिया फोन प्रॉपर, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट चॉकलेट, चॉकलेट कॉमन है, राइट, इट इज कॉमन। ओके, किटकैट चॉकलेट, राइट, कैडबरी चॉकलेट, हो गया स्पेशलाइजेशन, राइट।
जैसे ही स्पेशलाइजेशन में आए तो प्रॉपर हो गया, जैसे ही प्रॉपर नाउन में आए पहला लेटर कैपिटल हो गया। आया ना बच्चों समझ में? तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट फॉर द कॉमन नाउन एज वेल एज फॉर प्रॉपर नाउन। ओके, और मैं कई एग्जांपल देता हूं, देखिए आप समझ जाएंगे। हमने बात करी थी कि स्पेशल नेम्स किस किस चीज के लिए, कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, कोई भी एनिमल, कोई भी थिंग। ओके, अब हम जब बात करते हैं पर्सन देन कॉमन, हमने बात करी सुरेश, रमेश, कलाम साहब, मोदी जी, इन दैट केस स्पेशलाइजेशन हो गया प्रॉपर। हमने बात करी प्लेस। ओके, अब प्लेस के अंदर हमने बोल दिया बाग, लखनऊ, शिमला, हो गया स्पेशलाइजेशन। जब हम प्लेस की बात कर रहे थे तो इट वॉज कॉमन, और उस प्लेस को हमने जब इंडिविजुअली बता दिया है कि लखनऊ है या शिमला है या बाग है या देहरादून है, वॉट एवर भी स्पेशलाइजेशन हुआ, इन दैट केस प्रॉपर। सिमिलरली एनिमल, अब एनिमल में हमने बोला लायन या हमने बोला टाइगर, जैसे हमने लायन और टाइगर, वेन एवर वी आर गोइंग टू स्पीक लायन और टाइगर, देन स्पेशलाइजेशन हियर। स्पेशलाइजेशन देन व्हाट व्हाट टू से अगेन, व्हाट प्रॉपर नाउन। ओके, सिमिलरली थिंग्स, कोई सी भी थिंग्स होगी, कोई सी वस्तु हो सकती है। अब हमने स्पेशल बोल दिया शुगर, या हमने बोल दिया लिंसिड, राइट? जैसे ही आपने ये बोला तो फिर से क्या हो गया, ये स्पेशलाइजेशन, इट मींस प्रॉपर। ओके, क्लियर गाइस? अब हम बात करते हैं कुछ और चीजों की। जैसे मैंने बोला बुक, राइट? बुक, एंड सपोज इफ आई एम गोइंग टू स्पीक द बुक ऑफ गोदान आर्गवन रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद जी। ओके, जैसे ही मैंने उस बुक को नाम लिया गोदान या गवन, इन दैट केस वो क्या हो गई, कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन। या मैंने अगर उसके ऑथर का नाम लिया, इफ आई एम गोइंग टू स्पीक द ऑथर, दिस पर्टिकुलर बुक इज रिटन बाय मुंशी जी, मुंशी प्रेमचंद जी। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी का नाम आया, देन ऑल्सो क्या हो गया, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मींस व्हाट, प्रॉपर। ओके, सेम इफ आई एम गोइंग टू स्पीक वेजिटेबल्स, इफ आई एम गोइंग टू स्पीक वेजिटेबल्स देन कॉमन। अब मैंने बात करी स्पेशल, कैरेट, लैडीज फिंगर, राइट, पोटेटो, टेमेटो, हो गया स्पेशलाइजेशन, राइट? फिर क्या बन गया है, कॉमन से प्रॉपर। ओके, सिमिलरली एनिमल में स्पेशल नेम बोल दिया, राइट और नॉट? समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो? एक सेंटेंस मैंने लिखा, राम रीड्स मैगजीन, राम रीड मैगजीन। ओके, अब देखिए यहां पर हम देखते हैं दो नाउन दिख रही है हमको, एक तो है राम और एक है आपका मैगजीन। ओके, राइट? अब देखिए जो राम है ये स्पेशलाइजेशन, राम क्या है, स्पेशलाइजेशन। मैगजीन एक कॉमन मैगजीन है, नाम क्लियर नहीं हो रहा है। ओके, कॉमन नाउन मैगजीन, प्रॉपर नाउन राम। आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट नाउ, इट्स क्लियर, आई थिंक वेरी क्लियर, राइट? तो ये हमने बात कर ली है कॉमन नाउन की और प्रॉपर नाउन की। अब हम बात करते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ओके, अब देखिए काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल में क्या होता है। फर्स्ट सिंपल डेफिनेशन, थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड इन नंबर्स, थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड इन नंबर्स। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए, थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड इन नंबर, काउंटेबल नाउन्स, अरे भाई जिसकी गिनती की जा सके। ओके, और थिंग्स दैट कांट बी काउंटेड इन नंबर्स, थिंग्स दैट कांट बी काउंटेड इन नंबर, दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, जिसकी गिनती नहीं की जा सके। ओके, काउंटेबल नाउन ऑल्सो क्लियर, अनकाउंटेबल नाउन ऑल्सो क्लियर इन द सिंपल वे। अब मैं थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक करता हूं, कुछ एग्जांपल देता हूं, देखिए आप कितने अच्छे से इसको समझते चले जाएंगे। आप देखिए क्या होता है, थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड इन नंबर आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स,
इफ काउंटेबल नाउन सिंगुलर, इफ काउंटेबल नाउन सिंगुलर, काउंटेबल नाउन कैसी है सिंगुलर भाई, काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकती है और प्लुरल भी हो सकती है। अभी हम बात कर रहे हैं कि सपोज कि जो हमारी काउंटेबल नाउन है वो क्या है सिंगुलर है, यदि काउंटेबल नाउन सिंगुलर है तो इन दैट केस क्या हो जाएगा उस कंडीशन के अंदर, यदि ये सिंगुलर है तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे आर्टिकल्स ए आर एन, ए आर एन एस पर द नाउन वी विल यूज ए आर एन। फॉर एग्जाम्पल आई बॉट ए वुडन बॉक्स, आई बॉट ए वुडन बॉक्स, हमने यहां पर क्या यूज करा ए, क्या यूज किया हमने यहां पर ए, वही वुडन बॉक्स है, इट इज काउंटेबल, इट इज काउंटेबल, और आर्टिकल एस पर द वुडन बॉक्स कॉन्सोनेंट साउंड इज देयर देन वी विल यूज ए। ओके तो यहां में क्या बता रहा था आपको कि इफ काउंटेबल नाउन सिंगुलर वी यूज ए आर एन, क्लियर दिस थिंग ओके। अब देखिए आप काउंटेबल नाउन के साथ और क्या होता है, इट कैन बी चेंज्ड इनटू प्लूरल, अभी हमने सिंगुलर की बात की थी ना काउंटेबल, अब मैं क्या बोल रहा हूं इट कैन बी चेंज्ड इनटू प्लूरल, ये प्लूरल में चेंज की जा सकती है, कैसे की जा सकती है वेरी सिंपल, आप वी कैन यूज नंबर्स अहेड इट ओके, सिंगुलर थी तो हमने ए आर एन यूज कर लिया राइट right? अब अगर हमने ए आर एन यूज नहीं किया और हमने वहां पे कोई नंबर यूज कर लिया 2 or 3 or 5 or 10 whatever भी, जैसे हम ये यूज करेंगे तो हमारा जो नाउन था वो काय में चेंज हो गया, सिंगुलर से प्लूरल के अंदर चेंज हो गया, इट कैन बी चेंज्ड इनटू प्लूरल। फॉर एग्जांपल आई हैव बॉट 5 sweaters फॉर विंटर, आई हैव बॉट 5 sweaters फॉर विंटर, अब देखिए स्वेटर तो हैं लेकिन कितने हैं 5, कितने स्वेटर हैं यहां पर 5 sweaters हैं, अब 5 की बात करेंगे तो मैंने क्या बताया था अभी आपको, जस्ट आई टोल्ड इट कैन बी चेंज इनटू प्लूरल, बस मैटर का था, मैंने यहां पर इसको काउंटेबल को काय में चेंज कर दी, प्लूरल के अंदर चेंज कर दिया 5 को वहां पर यूज करके, क्लियर गाइस काउंटेबल, काउंटेबल के अंदर एक बार फिर से आपको शॉर्टली पूरा रिवाइज करवाता हूं, थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड इन नंबर्स। नंबर टू, इफ काउंटेबल नाउन सिंगुलर वी यूज ए आर एन, और नंबर थ्री इट कैन बी चेंज इनटू प्लूरल, इट कैन बी चेंज इनटू प्लूरल, ये थी हमारी काउंटेबल नाउन। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर, थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर, थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ओके अब देखिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, न्यूज अनकाउंटेबल, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल, वाटर सॉल्ट गोल्ड डस्ट, अंडरस्टूड, इन्हें हम गिन सकते हैं, नो वी कांट काउंट, तो सीधी सी बात है भाई कि थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर्स आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ओके अब देखिए आप कुछ चीजें मैं आपको क्लियर करता हूं, अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल इजीली यू कैन अंडरस्टैंड ओके। हम बात कर रहे हैं स्मोक यू कैन काउंट नो, मिल्क यू कैन काउंट नो, हे यू कैन काउंट नो, आइस यू कैन काउंट नो, सैंड यू कैन काउंट नो, वाइन नो, कॉफी नो, ये सब क्या हुआ बेटा, ये सब हुआ अनकाउंटेबल नाउन, और विच वी कैन काउंट इन नंबर पेरेंट मनी डॉग माउंटेन आई नोटबुक शर्ट, तो दे आर आर एग्जाम्पल फॉर काउंटेबल नाउन। ओके तो फिर आज आपको समझ में आया व्हाट आई हैव क्लियर यू वेरी प्रॉपरली, मैंने आपको एक क्लियर किया है नाउन, नाउन के बारे में आपको पूरा डेफिनेशन दिया है, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए, नाउन को क्लियर करने की कोशिश की है, और नाउन के साथ आपको क्या क्लियर किया है, नाउन के साथ ही आपको क्लियर किया है कौन कौन सी चीजों को क्लियर किया है, कॉमन नाउन्स प्रॉपर नाउन्स काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके अंडरस्टैंड।
और आर स्टूडेंट आप स्टैंडर्ड थर्ड जो आपका चैप्टर से गया चैप्टर नंबर वन चैप्टर नंबर टू एंड चैप्टर नंबर थ्री बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली. ओके विथ दिस वीडियो आई एम सेंडिंग यू सॉल्व फुल सॉल्यूशन फॉर चैप्टर नंबर वन चैप्टर नंबर टू एंड चैप्टर नंबर थ्री मीन्स यू विल गेट प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर ऑल वर्क शीट. ओके अब देखिए राइट नाउ इफ बुक इज अवेलेबल यदि आपके पास बुक है सो प्लीज फिल ऑल द वर्कशीट इन मीन्स बुक ओनली एंड सपोज इफ यू डोंट हैव बुक सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट रीड वेरी केयरफुली एंड राइट ऑल द वर्कशीट इन योर फेयर कॉपी. सो क्लियर दिस थिंग्स होप दैट यू एंजॉयड दिस ग्रामर सेशन एंड मीन्स आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट all the parents ki so many things continuously I will deliver and soon I am going to start for especially for the 9th and 10th science and maths lectures continuously so please subscribe this channel in that case every update before time you will get and you can watch these things or students if any type of problem related with grammar then personally you can whatsapp me definitely I will solve your problems. Okay guys take care bye.